हम लोग कभी सोचते नहीं कि गुरुदेव ने सारा काम करके रखा है? हम लोग तो निमित्त बन रहे हैं, सारे भारत का नव निर्माण होकर के रखा है, पूरे के पूरे भारत के लोगों को, विश्व के लोगों को जगतगुरु बनकर के मार्गदर्शन देना, ये भी लिखा हुआ रखा है। बस केवल निमित्त मात्र बनना है, थोड़े थोड़े वर्ष तक उनका काम करते हुए करना है। तो गुरुदेव को कराना है, आपसे नहीं, आप नहीं करोगे तो किसी और से करा लेंगे। अगर बंदर रीछ वानर रूट के बैठ जाते कि राम भगवान राम ने हमको वो फल नहीं मिले, ये नहीं दिया, हम तो नहीं जाते लड़ने के लिए, तो क्या सीता नहीं आती? अरे भगवान राम अकेले कॉम्पिटेंट थे मारने के लिए, भगवान राम अकेले एक संकल्प करते और राम मर जाता, रावण मर जाता। पर रावण के कर्म जब पक गए तो रावण के कर्म खड़ा था वहाँ पे जब राम भगवान राम के सामने, अनीति का प्रतीक, और राम नीति के प्रतीक बनकर युग प्रत्यावर्तन के लिए रावण को मारते हैं। यहाँ पर युधिष्ठिर और इतने सारे बड़े बड़े बलवान होते हुए भी भगवान अर्जुन को निमित्त क्यों बनाते हैं? क्योंकि अर्जुन जो है वो श्रेष्ठ शिष्य है। अगर हमको कोई बनना है तो हमको दो चीज़ बनने की सोचनी चाहिए, अर्जुन और हनुमान। अगर शिष्य बनना है तो दो, अर्जुन और हनुमान। सीधे साधे का मतलब होता है इनोसेंट फ्रॉम इनसाइड, अंदर से पवित्र, अंदर से पवित्र, और ऐसा हो जो कहे कि भगवान आप, मैं आपका शिष्य बन के आया, शिष्यस्ते हम शादी माम तो हम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य बन के आया हूँ, आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। जब आपने गुरु को कह दिया कि मैं आपकी शरण में आया हूँ, तो फिर गुरु आपकी आपकी देखभाल हर तरफ करेगा, 24 घंटे करेगा, दिन रात करेगा, आपके बिजनेस में करेगा। आप ही शक करते हो, आप ही शक करते हो, बस शक करने से आप गड़बड़ा जाते हो। जैसे उस महाभारत में भीष्म इच्छा मृत्यु को प्राप्त होने के बावजूद भी नहीं मरे, मृत्यु को प्राप्त हुए, और द्रोणाचार्य के हाथों से शस्त्र छूटे और वो मारे गए, कर्ण के कवच कंडल छुन लिए गए और वो मारे गए। क्यों? भगवान साथ थे, भगवान सदगुरु साथ थे, भगवान साथ थे, सदगुरु साथ थे, और अपने योग्यतम शिष्य के साथ थे। अर्जुन की बहुत सारी विशेषताएं हैं, तो सबसे बड़ी विशेषता ये है समर्पण। समर्पण, मैंने आपको दे दिया जो कुछ भी था सब आपको दे दिया, अब आप जो कहेंगे वही करूँगा मैं, बस अब आप जो कहेंगे वही करूँगा। और दो चीज़ें थी बाधक थी, स्मृति, भूल गया था कि मैं कौन हूँ, और मोह, मोह हो गया था किससे? रिश्तेदारों से, समाज से, और दुनिया भर की चीज़ों से, राज्य से, सब चीज़ों से। तो वो कहता नष्टो मोह स्मृति लब्धा, मेरा मोह नष्ट हो गया है, मेरी स्मृति प्राप्त हो गई, अब मुझे स्मृति प्राप्त हो गई मैं कौन हूँ। प्रस्तुत है शांति कुंज वीडियो ऐप, उपलब्ध है गूगल प्ले स्टोर पर, अभी डाउनलोड करें। हमारे यूट्यूब चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।